ହନୁମାନଗଡ଼ିର ମଠର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମହନ୍ତ ରାଜଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଗୀଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ, ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ମହନ ଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରତି ହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସେ ହମ୍ ଆଏ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସେ। କେସା ଲଗ ରହା ହେ ଅଭି ଯୋଗୀ ଜୀ ଆ ରହେ ହେଁ, ଇତନା ବର୍ଷ କି ସନାତନୀ କୋ ଯୋ ସଂଘର୍ଷ ଥା ଅଭି ସଫଳତା କି ଓର ଜା ରହା ହେ, ତୋ କେସା ଲଗ ରହା ହେ ପହେଲେ? हाँ, गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। इतने वर्षों के बाद त्याग और तपस्या संघर्ष के बाद लाखों साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर, भजन पूजा पाठ को छोड़कर, भजन संध्या को छोड़कर, अपने आश्रम की पूजा पद्धति को छोड़कर गांव में, गलियों में, नुक्करों में घूमकर सनातनियों के अंदर जो अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, और आज मोदी और योगी के रूप में दो सेवक मिले, जिसका परिणाम स्वरूप एक अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, 140 करोड़ देशवासियों की जो हार्दिक इच्छा थी उस इच्छा को साकार होते हम लोग देख रहे हैं और दिख रहा है। बड़े गर्व की बात है, ये पल, ये क्षण, ये अवसर बार बार नहीं आता है, और मुझको लगता है कि जो 76 बार की लड़ाई, 500 वर्ष के संघर्ष, उसके बाद राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, उसी का परिणाम स्वरूप है कि यह संभव हो पाया। सनातनी के ऊपर जो बार बार लोग प्रश्न करते थे कि यहाँ पर जन्मभूमि नहीं था, यहाँ पर अयोध्या की जो राम मंदिर की जन्मभूमि नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक जब कोर्ट में राय आया सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद की जो खुशी थी और अब तक की जो संघर्ष थी, अभी राजूदास उस बारे में क्या सोचते हैं? राजूदास ही नहीं, 140 करोड़ देशवासी यह सोचते थे, क्या मेरे सामने हमारे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मंदिर बन पाएगी क्या? इसलिए डरते थे कि देखिए, आज धर्म निरपेक्ष में, पंथ निरपेक्षता में सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले लोग जब सनातन को मिटाने की बात करते हैं, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हिंदू मतलब चोर, नीच, कुकर्मी, कुधर्मी, ऐसे शब्दों का नवाजते हैं, जब राम मांस खाते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो व्यक्ति खुशी से शांतिपूर्वक हिंदुस्तान में रहता है, तो राम भक्त डर जाते हैं क्या मंदिर बन पाएगा। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिसका प्रणाम स्वरूप है कि आज नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कर भूतो न भविष्यति। तो हम उत्साहित हैं, आह्लादित हैं कि इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया। हनुमानगढ़ी में क्या व्यवस्था की जाएगी उस समय जब रामलाला की प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को? अभी जोगी जी परिदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्या सिक्योरिटी व्यवस्था हुई है? क्योंकि बहुत वर्षों से बाद सनातनियों ने जो संघर्ष किए थे, अभी सफलता के ओर हम सब चल रहे हैं और भगवान दिखा रहे हैं अभी अयोध्या नगर। नहीं, पूरा अयोध्या आनंदित है, आह्लादित है, उत्साहित है कि यह पल, ये क्षण, ये अवसर भूतो न भविष्यति। हर व्यक्ति खुशी से झूम रहा है, हर व्यक्ति के मन में यही भाव है कि मेरे सामने में ही पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। हर व्यक्ति प्रसन्नता से झूम रहा है, उत्साहित है। बहुत धन्यवाद, आपसे इतने मुलाकात हुई और बातचीत हुई। ये राजूदास थे जे हनुमानगढ़ीर मुख्य महंत, आछे समय अपेक्षा योगी आदित्यनाथ वर्तमान आसुचंती। ता पूर्वर आम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको देखाउथुलु जे सनातनिकर जो 550 वर्षर संघर्ष आ सफलतार भित्तिभूमि रामलालांक प्राण प्रतिष्ठा हवापाई जाउछे, एवं अयोध्या नगरी वर्तमान भगवामय होइछे, एवं आगुकु मध्य आहुरी सनातन धर्म संस्कृति परंपरा इतिहास आहुरी आगुकु जीवो बोली महंत राजूदास जो प्रतिक्रिया रही था। अयोध्या कैमरा पर्सन सुमन साहू के साथ स्वप्नांजलि महांति, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।